किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। पंजाब के किसान अब से कुछ ही देर में राजधानी दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का मुख्य काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना होगा। शंभू बॉर्डर से पहले पंजाब पुलिस और किसानों में झड़प की भी जानकारी सामने आई। खनौनी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में घुसेंगे, इस बात की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। शंभू खनौनी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट है। पोकलेन जेसीबी को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसी बीच केंद्र ने कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। सरकार के साथ चार बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आज एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ अब से कुछ ही देर में कूच करने की तैयारी में है। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टरों के साथ आज एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन में 1200 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ फिर से बढ़ने की कोशिश की जाएगी और इसे देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट है। पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी, टिप्पर और हाइड्रा को पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे न बढ़ने दें। और इसी बीच किसानों के दिल्ली मार्च पर संग्राम की जानकारी सामने निकल कर आ रही है।